क्या आपको पता है किसी भी कंपनी के लोगों के पीछे एक हिडन मीनिंग होता है? तो आज इस वीडियो में हम उसी हिडन मीनिंग को जानेंगे और देखेंगे क्या हिडन मीनिंग है। पर आज की वीडियो में हम कुछ फेमस कार लोगोस के बारे में देखेंगे, बस बाकी के अगली वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाड़ी है ऑडी। तो इस कार के लोगो में चार रिंग जो कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब फोर रिंग्स बताती हैं कि कैसे फोर कंपनीज ने पार्टनरशिप करके एक कंपनी ग्रो की, जिसमें एक रिंग मींस एक कंपनी जो थी वो थी बाइसाइकिल मैन्युफैक्चरर की, एक कंपनी थी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर की, और एक कंपनी थी दो कंपनी थी स्मॉल कार मैन्युफैक्चरर की थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज होती थी। तो ये चार कंपनीज का पार्टनरशिप में आना, एक कंपनी को बनाना, इसलिए वो चार रिंग ही होती हैं लोगों में। या अब बात करते हैं नेक्स्ट कार लोगों की। नेक्स्ट कार लोगों, अब हम आते हैं अपनी कंपनी टोयोटा। तो टोयोटा के लोगों में तीन ओवल हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, मीन्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। जो सबसे अंदर वाला लोगो है, जो सीधा खड़ा है लोगो, वो रिप्रेजेंट करता है कस्टमर्स के हर्ट्स को, मीन्स कस्टमर्स को कह सकते हैं, कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेटा हुआ ओवल है ऊपर, मीन्स खड़े के ऊपर जो लेटा हुआ है, वो मैं कह सकता हूँ रिलेशनशिप बिल्ट करता है, रिलेशनशिप दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा वो एक टी बना रहा है, तो टी बना रहा है, टी फॉर ट्रस्ट, मीन्स वो एक रिलेशनशिप दिखा रहा है कंपनी और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके बीच में। और फिर उसके बाद सिंपली आता है एक बड़ा लो ओवल, जिसके अंदर ये दो ओवल अंदर है। तो जो बड़ा ओवल है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है वर्ल्ड को, मीन्स टोयोटा एक वर्ल्ड पर राज कह सकते हैं, या फिर कंपनी है जो फैली हुई है बहुत ही लार्ज एरिया में। तो ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए।